तखतगढ़ भारतीय जनता पार्टी सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत व जिला अध्यक्ष मनसाराम परिहार के निर्देश अनुसार राज्य सरकार जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुजर व तीन पार्षदों को निलंबित कर हटाने के विरोध में मंगलवार तखतगढ़ 11:30 बजे के लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ हाथों पर काली पट्टी और मुंह पर काला मास्क बांधकर हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री के नाम थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जिला प्रतिनिधि गणपत सोमपुरा नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षद देवाराम चौधरी, राजू कुमावत, सुरेश कुमार, गीता देवी मीणा, अन्य गण मौजूद रहे। क्या रहा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम? कार्यक्रम में आज सभी ने काली पट्टी और काला मास्क बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सीमित मात्रा में, जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर सीमित मात्रा में ही हमने विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती वगैरह लेके, और एक संदेश देने का प्रयास किया कि कांग्रेस का शासन किस प्रकार दमनकारी नीति अपना रहा है। श्रीमान थानाधिकारी जी जो तखतगढ़ हैं उनके माध्यम से वो आगे हमारा जो संदेश है वो आगे पहुँचाएंगे। गुजरात ग्रेटर महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को हटाने के लिए कोई भाजपा प्रदर्शन कर रही है, आज का तखतगढ़ में क्या प्रदर्शन रहा? जैसा कि विदित है कांग्रेस की वर्तमान में राज्य की सरकार है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उसके प्रति कांग्रेस की जो वैमनस्यता है वो दर्शित होती है। एक जिस प्रकार से इन्होंने किसी घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो जयपुर ग्रेटर की जो महापौर है उनको पदच्युत किया है, तो वो जो जिन्होंने उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है वो बिल्कुल विधि विरुद्ध है। एक दिन का भी समय नहीं देके और साथ ही महापौर को भी कोई सुनवाई का अवसर दिए बिना उनको पदमुक्त कर देना ये सरासर न्यायिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है और अपने राज्य सरकार जो है बहुत ही दंभ में आ चुकी है, तो उसको हटाने के लिए, उसकी दंभिता को खारिज करने के लिए और उनको बताने के लिए ही हम पूरे राज्य में इस प्रकार का विरोध